नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आयुष्मान भारत योजना में घर से लेकर अस्पताल तक की सारी जो डिटेल है उसकी पूरी आपको बारीकियों से सारी जानकारी देंगे। दोस्तों हमने आपको पहले भी इस योजना के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई थी जिसमें आप इसमें लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें, इस योजना का लाभ कैसे लें, सारी जानकारी हमने आपको दी है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आपने हमसे पूछा था कि आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको घर से लेकर अस्पताल तक आप इसके अंदर किस तरह से 5 लाख रुपये का लाभ ले सकते हैं, जो सरकार आपको 5 लाख रुपये का मेडिकल लाभ दे रही है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो इस योजना में आप 4 चरणों में लाभ ले पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैं आपको पहले बता देता हूं इसमें जो 4 चरण हैं, तो चरण क्या है, वो पहले मरीज को अस्पताल में आपको भर्ती करना होगा। अस्पताल में भर्ती करने के बाद जो आरोग्य मित्र के पास आपको जाना होगा, आरोग्य मित्र से अपना नाम चेक कराना होगा। अब आप पूछेंगे आरोग्य मित्र क्या होता है, तो दोस्तों जैसे कि आधार कार्ड बनवाते वक्त कस्टमर सेंटर खोले गए थे सरकार की तरफ से, उसी तरह से ये भी सेंटर खोले जाएंगे। आधार कार्ड जैसे आप बनवाने जाते थे उसी तरह से आपको आरोग्य मित्र के पास भी जाना होगा। हर जगह पर ये सेंटर खोले जाएंगे और बहुत सी जगह पर खोले जा चुके हैं। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके आधार कार्ड या मोबाइल नंबर के ज़रिए वो आपका नाम चेक करके बताएंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, जब वो आपके लाभार्थी की पहचान कर लेंगे, यानी कि जिस मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, जब उनके नाम की पुष्टि हो जाएगी तब आप हॉस्पिटल से उनके इलाज का खर्चा और जो भी ब्यौरा है वो वहाँ से लेकर यहाँ पर जो आपके आरोग्य मित्र होंगे यहाँ पर आपको लाकर देना होगा। जब आप उनके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लाकर दे देंगे तो ये जो है वो आगे की प्रोसेस में इनको भेज देंगे और आपको एक कार्ड बनाकर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अस्पताल में तो आपके मरीज का इलाज शुरू हो चुका होगा, वहाँ पर आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना, वहाँ पर आपका बिल्कुल अच्छी तरह से इलाज चलेगा। और उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहले पेमेंट करनी है उसके बाद ही मरीज डिस्चार्ज होगा, मरीज डिस्चार्ज हो जाएगा और डिस्चार्ज होने के बाद जो हॉस्पिटल होगा वो डायरेक्ट जब आप जो पूरी डिटेल देंगे, आपको जो एक कार्ड बनाकर दिया जाएगा आरोग्य मित्र की तरफ से, उस कार्ड के जरिए डायरेक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे। जो भी आपके जो पेपर होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपके हॉस्पिटल में जमा कर लिए जाएंगे, जो भी अस्पताल का जो बिल होगा, और उसी के आधार पर वो अपने जो मेडिकल के जो बिल हैं वो गवर्नमेंट से क्लेम कर लेंगे, यानी कि आपको इसके अंदर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, चलिए मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से इसको समझा देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब हो गई है तो आपको उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। अब जब आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, तो अब आपको अपने नज़दीकी आरोग्य मित्र के पास जाना होगा। आप पहले से ही अपने पूरे परिवार का नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं, हमने आपको तरीका बताया है लिस्ट में नाम देखने का, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या अपने नज़दीकी आरोग्य मित्र सेंटर के बारे में पता कीजिए, वहाँ पर जाकर आप उनके नाम को देखिए। तो जब आप मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे उसके बाद आरोग्य मित्र के पास जाकर उनके नामों की आप पहचान कीजिए, अगर उनका नाम लिस्ट में है तो वहाँ से आपको बताया जाएगा कि आप हॉस्पिटल से, जिस भी हॉस्पिटल में आपने मरीज को एडमिट किया है वहाँ से आप उनके इलाज का जो पैकेज है और जो इलाज के जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो आप लाकर आरोग्य मित्र सेंटर पे आप लेकर आइए। जब आप लेकर आएंगे तो आपको वहाँ से एक कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा, एक मेडिकल कार्ड होगा, वो उस कार्ड को लेकर आपको हॉस्पिटल में जाना है, आपका इलाज स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, वहाँ पे आपका इलाज चलता रहेगा और इलाज जब पूरा हो जाएगा उसके बाद मरीज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपको कोई पेमेंट के लिए नहीं रोका जाएगा कि आपको पैसे, आप पैसे दीजिए उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका कार्ड बन चुका है, आपका नाम भी लिस्ट में होगा। तो जब आप कार्ड हॉस्पिटल में दिखा देंगे तो वो आपसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे और मरीज को डिस्चार्ज भी कर देंगे और जो भी उनका इलाज का खर्चा होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। अब हॉस्पिटल जो पेमेंट जो अपनी लेगा वो उसी कार्ड नंबर के हिसाब से जो आपके मरीज की जो पूरी डिटेल होगी वो आगे फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से डायरेक्ट उनको पैसा मिल जाएगा आपके इलाज का। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी कि आप किस तरह से घर से लेके और अस्पताल तक इस योजना में जो 5 लाख रुपए का लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ आप कैसे ले पाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।